हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आजकल आप डेली कंडक्टर्स तो देखते हो, एलटी लाइन में देखते हो, एसटी लाइन में देखते हो और ट्रांसमिशन लाइन्स में भी देखते हो बड़े बड़े कंडक्टर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसीएसआर कंडक्टर्स के बारे में। एलटी लाइन में कौन सा एसीएसआर कंडक्टर यूज किया जाता है और एसटी लाइन में कौन सा एसीएसआर कंडक्टर यूज किया जाता है और ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा यूज किया जाता है, सभी चीज के बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। तो गाइस, ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आपको पसंद आया तो आपके सारे इलेक्ट्रिकल फ्रेंड्स का शेयर कीजिए। तो गाइस, बिना रुके अच्छे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। गाइस, पहले हम देखेंगे एसीएसआर होता क्या है। एसीएसआर का फुल फॉर्म है अल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स्ड। ये कंडक्टर जो है ना, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स से बनाया जाता है। एसीएसआर कंडक्टर जो है ना, कुछ इस तरह से दिखता है, इधर आप देख सकते हो, इसे जो है ना एसीएसआर कंडक्टर कहा जाता है। ये कंडक्टर जो है ना अल्यूमिनियम से एंड स्टील से बनाया जाता है। इधर आप देखिए, एसीएसआर कंडक्टर जो है ना कुछ इस तरह से दिखता है। ये कंडक्टर जो है ना नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स से बनाया जाता है। स्ट्रैंड्स माने सिंगल स्ट्रैंड कंडक्टर। इधर आप देख सकते हो, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स से जो है ना एसीएसआर कंडक्टर बनाया जाता है। इसके आउटर पार्ट में जो स्ट्रैंड्स है ना वो अल्यूमिनियम से बनाया जाता है और इनर पार्ट्स में जो स्ट्रैंड्स है ना वो स्टील से बनाया जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है अल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स्ड। ये कंडक्टर जो है ना अल्यूमिनियम से एंड स्टील से बनाया जाता है। अब हम देखेंगे एलटी लाइन में कौन सा एसीएसआर कंडक्टर यूज किया जाता है, एसटी लाइन में कौन सा यूज किया जाता है और ट्रांसमिशन लाइन्स में कौन सा यूज किया जाता है। और एक बात दोस्तों, क्यों एसीएसआर कंडक्टर जो है ना नंबर ऑफ स्ट्रैंड से ही बनाया जाता है। हम सिंगल स्ट्रैंड वाला कंडक्टर थोड़ा ज्यादा डायमीटर वाला यूज कर सकते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए, क्यों हम एसीएसआर कंडक्टर यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम सिंगल स्ट्रैंड वाला कंडक्टर यूज करेंगे वो सॉलिड रहेगा और उसका फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना नहीं रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए जो है ना एसीएसआर कंडक्टर यूज किया जाता है। इसलिए जो है ना एसीएसआर कंडक्टर हर जगह यूज किया जाता है, एलटी लाइन में, एसटी लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन्स में, क्योंकि इसका फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना ज्यादा रहेगा। इसलिए एक कंडक्टर जो है ना हर जगह यूज किया जाता है। अगर सिंगल स्टैंड वाला सॉलिड कंडक्टर यूज करेंगे तो उसका फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना नहीं रहेगा। गाइस, अब हम देखेंगे एलटी लाइन में कौन सा एसीएसआर कंडक्टर जो है ना यूज किया जाता है। एलटी लाइन में फेस के लिए अलग एसीएसआर कंडक्टर यूज किया जाता है और न्यूट्रल के लिए अलग एसीएसआर कंडक्टर जो है ना यूज किया जाता है। फेस के लिए जो है ना विजिल 6 bar 1 bar 2.59 mm का एसीएसआर कंडक्टर यूज किया जाता है। रही बात हम न्यूट्रल की हम बात करेंगे, उसमें स्क्विरिल 6 bar 1 bar 2.11 mm का एसीएसआर कंडक्टर यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे ये 6 bar 1 bar 2.59 mm होता क्या है और इधर भी 6 bar 1 bar 2.11 mm होता क्या है। तो गाइस, इधर आप देखिए, इसे जो है ना एसीएसआर कंडक्टर कहा जाता है। जो आउटर पार्ट्स के स्ट्रंट्स है ना वो अल्यूमिनियम से बनाया जाता है और इनर पार्ट्स के जो स्ट्रंट्स है ना वो स्टील से बनाया जाता है। अब हम देखेंगे एसीएसआर कंडक्टर जो है ना एलटी लाइन में जो यूज किया जाता है ना उसमें कितने स्ट्रंट्स है, कितने अल्यूमिनियम के स्ट्रंट्स है, कितने स्टील के स्ट्रंट्स है और कितना डायमीटर है, सभी स्ट्रंट का जो है ना कितना डायमीटर है। तो गाइस, पहले हम देखेंगे फेस। फेस में जो है ना विजिल 6 bar 1 bar 2.59 mm का एसीएसआर कंडक्टर जो है ना यूज किया जाता है। तो गाइस, 6 बोले तो जो नंबर ऑफ आउटर स्ट्रैंड्स रहेंगे ना अल्यूमिनियम से बनाया जाता है ना वो टोटल 6 रहेगा। रही बात इनर में जो स्ट्रैंड्स रहेगा ना स्टील से बना हुआ वो 1 रहेगा और सभी स्ट्रैंड्स के जो डायमीटर रहेंगे 2.59 mm। तो गाइस, इसी तरह से जो है ना एसीएसआर का कंडक्टर का साइज रहेगा। अब हम देखेंगे न्यूट्रल में। न्यूट्रल में जो है ना स्क्विरिल कंडक्टर यूज किया जाता है और उसका साइज रहेगा 6 bar 1 bar 2.11 mm। तो गाइस, इधर आप देखिए, टोटल 6 जो है ना अल्यूमिनियम स्ट्रैंड्स रहेंगे। जो न्यूट्रल के लिए एसीएसआर कंडक्टर यूज किया जा रहा है ना उसमें टोटल 6 जो है ना अल्यूमिनियम स्टंट्स रहेंगे और 1 जो है ना स्टील का स्टंट रहेगा और सभी स्टंट्स के डायमीटर रहेंगे 2.11 mm। तो गाइस, इसी तरह से जो है ना साइज ऑफ कंडक्टर रहता है और यही जो है ना कंडक्टर यूज किया जाता है एलटी लाइन में। फेस के लिए 1 कंडक्टर यूज किया जाता है और न्यूट्रल के लिए जो है ना 1 कंडक्टर यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे कौन सा कंडक्टर जो है ना एसटी लाइन में यूज किया जाता है। एसटी लाइन माने हाई टेंशन लाइन। एसटी लाइन का वोल्टेज रहेगा 11 kV और इसमें आप देखेंगे कौन सा एसीएसआर कंडक्टर जो है ना यूज किया जाता है। एसटी लाइन में जो है ना रैबिट कंडक्टर यूज किया जाता है और उसका साइज रहेगा 6 bar 1 bar 3.35 mm। तो इधर आप देखिए, इसमें भी जो है ना अल्यूमिनियम स्टंट्स रहेंगे 6 और स्टील के स्टंट्स रहेंगे 1 और सभी स्टंट्स के डायमीटर रहेंगे 3.35 mm। इधर आप देख सकते हो, यही कंडक्टर जो है ना एसटी लाइन में यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे कौन सा कंडक्टर जो है ना ट्रांसमिशन लाइन्स में यूज किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन्स में 66 kV में कौन सा एसीएसआर कंडक्टर यूज किया जाता है और 110 kV में और 220 kV में।
अब हम देखेंगे 66 केवी में कौन सा एसएसआर कंडक्टर जो है ना यूज किया जाता है। तो गाइस 66 केवी में कोएक्स कंडक्टर जो है ना यूज किया जाता है और उसका साइज रहेगा 26 बार 2.59 mm का एल्यूमिनियम स्टंट्स रहेंगे। और रही बात स्टील स्टंट्स की हम बात करेंगे 7 बार 1.9 mm का जो है ना स्टील का स्टंट्स रहेगा। तो गाइस ये रहा 66 केवी का एसएसआर कंडक्टर। इसमें टोटल एल्यूमिनियम स्टंट्स रहेंगे 26 और स्टील के स्टंट्स रहेंगे 7। तो और इसका डायमीटर रहेगा एल्यूमिनियम का रहेगा 2.59 mm का और रही बात स्टील स्टंट्स की हम बात करेंगे उसका डायमीटर रहेगा 1.9 mm। अब हम देखेंगे 110 केवी में कौन सा एसएसआर कंडक्टर जो है ना यूज किया जाता है। गाइस 110 केवी में लिनक्स एसएसआर कंडक्टर यूज किया जाता है और इसका साइज रहेगा 30 बार 7 बार 2.79 mm। तो गाइस टोटल एल्यूमिनियम स्टंट्स आएंगे इसमें 30 और टोटल स्टील के स्टंट्स रहेंगे 7 और सभी स्टंट्स के डायमीटर रहेंगे 2.79 mm। तो गाइस ये रहा कंडक्टर विच इज यूज्ड इन 110 केवी। अब हम देखेंगे कौन सा कंडक्टर 220 केवी में यूज किया जाता है। गाइस 220 केवी में ड्रेक एसीएसआर कंडक्टर जो है ना यूज किया जाता है और उसका साइज रहेगा 30 बार 7 बार 4.27 mm। टोटल एल्यूमिनियम स्टंट्स आएंगे 30 और नंबर ऑफ स्टील के स्टंट्स रहेंगे 7 और सभी स्टंट्स के डायमीटर रहेंगे 4.27 mm। तो गाइस ये रहा कंडक्टर्स विच आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइंस। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए और कोई भी डाउट रहा तो नीचे कमेंट कीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया तो आपके सारे इलेक्ट्रिकल फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।